ये बंजारे हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ रहते रहते अब ये घुमंतू नहीं रहे। यहीं पर झाड़ फूस का आशियाना बनाकर अपनी बस्ती भी बसा ली थी। पेट पालने को बंजारों ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 में अपना छोटा सा आशियाना बना रखा था, बंजारा मार्केट, जिसके नाम से हम और आप बखूबी वाकिफ हैं। ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर पेट की आग में इनके सपने भुन चुके हैं। अब 2 दिन में तोड़ दिया, बता भूखे तिसाए सारे मर रहे, बता बच्चे उच्चे कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, बता ऐसे कहाँ हो गया। अब बताओ कोई घर ना मकान ना जमीन ना हमारी, हम कहाँ जाए। 2 दिन का ऑर्डर दिया, 2 दिन में कहाँ जाएगा पूछने के लिए, कोई पता नहीं है कहाँ जाएंगे। सस्ती घरेलू साज सज्जा, पारंपरिक हस्तशिल्प और फर्नीचर के सामान के लिए मशहूर बंजारा मार्केट अब कुछ बंजर सा नजर आ रहा है। करीब 15 साल पहले राज्य सरकार की 25 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और कई नोटिस के बावजूद अवैध कब्जा करने वाले यहां से खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश के बाद HSVP की परिवर्तन टीम ने सेक्टर 56 स्थित लोकप्रिय बंजारा मार्केट में 260 से अधिक अवैध अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ये जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी। तोड़फोड़ अभियान बुधवार तक चलेगा। ये हुड्डा के एक्वायर्ड जमीन है, जो कि करीबन 14 एकड़ जमीन है, जिस पर इलीगली इन बंजारों ने कब्जा कर रखा था। पिछले 10 सालों से ये कब्जा करके यहाँ रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और ये हुड्डा की बड़ी बेशकीमती जमीन है, जिसको हुड्डा भी बेचकर अपना कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है। बिना किसी घर द्वार के जीवन जीने वाली कौम बंजारों की ही है, जो अपना पूरा जीवन व्यापन सड़कों पर तो कभी टेंट लगाकर बसर करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपना रोजगार भी वहीं से चला लेते हैं। बंजारे सदियों से देश भर में दुर्गम इलाकों में यात्राएं करते चले आ रहे हैं। जहां आप और हम एक दिन की यात्रा से थकान महसूस करने लगते हैं, वहां ये जाति सदियों से यात्राओं में ही अपना जीवन बसर करती चली आ रही है। लेकिन अब गुरुग्राम के बंजारों के चेहरे पर मायूसी और मजबूरी साफ झलक रही है। उनकी आंखों में टूटे ख्वाब और दिल में एक अजीब सा खौफ साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।